Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. I have made you co-host. Just I am muting all the participants except you. Yes, ma'am. Now you can start class, ma'am. Okay, sir. Thank you. Good afternoon, everybody. टुडे वी आर कंटिन्यू अवर लेक्चर पार्टीशन वॉल. आज हम पार्टीशन वॉल का जो हमारा लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. और हम कल हमने जो हमने पार्टीशन वॉल के रिगार्डिंग पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टीशन वॉल, टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल एंड मटेरियल ऑफ पार्टीशन वॉल. ये जो हमारे ये पार्टीशन वॉल है इनका यूज क्या होता है, नॉट ओनली इन इंटीरियर डिजाइनिंग, ये कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बोथ प्लेसेस में. दोनों ही जगह पे इसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. रेजिडेंशियल प्लेस पे रेजिडेंशियल के रिक्वायरिंग एज पर रिक्वायर्ड हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं, लाइक ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया एटसेट्रा एंड बेडरूम ऑल्सो. अगर हमारा बेडरूम बड़ा है, मास्टर बेडरूम है और वहां पर हम स्टडी कम एनीथिंग एल्स, मैंने जैसा कि आपको बताया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर डिजाइन एंड ड्राइंग एंड योर टेस्ट ऑल्सो एंड एज पर ऑल्सो फॉर योर स्पेस. आपके जो स्पेस है, पता चला रूम तो 10x10 का है, वहां पार्टीशन कैसे लगाएंगे. ओके, तो आप ये मत इस चीज को फॉलो मत कीजिएगा कि नहीं बेडरूम में भी हम पार्टीशन यूज कर सकते हैं. तो हम कर सकते हैं, या इट्स राइट, बट एज पर द स्पेस ऑल्सो. जहां हमारा स्पेस ऑलरेडी गिवन होता है, ज्यादा स्पेस होता है, उस स्पेस को हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको यूज कर सकते हैं. ओके, जो है आगे जो आपका पार्टीशन वॉल के रिगार्डिंग मैं आपको और भी चीजें बता देती हूँ. ये पार्टीशन वॉल के रिगार्डिंग जो हमने कल पढ़ा था कि पार्टीशन वॉल्स आर जो होते हैं वर्टिकल डिवाइडर्स होते हैं विच आर यूज्ड टू द सेपरेट बिल्डिंग इंटरनल स्पेसेस इनटू द रूम्स. एक कल मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको बताया था कि एक स्पेस है जिसमें जो है रूम है, पूरा हॉल टाइप का है, नॉट ओनली द रूम, जिसमें छोटे छोटे रूम्स का पार्टीशन किया गया है. उन रूम्स के पार्टीशन के को करने के लिए पार्टीशन वॉल्स का यूज किया गया है. और ये डिपेंड करता है आप मटेरियल क्या यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने कल पढ़ लिया है, आज भी मैं रिवीजन के साथ आपको इनका फिक्सिंग का पैटर्न बताऊंगी कि इनको फिक्स कैसे किया जाता है और डिफरेंट जो कंपनीज हैं वो अभी प्रेजेंट टाइम में किस किस तरह की पार्टीशन वॉल्स अवेलेबल है. ओके, एंड जो है टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल जो है आपको बताया है कि ब्रिक पार्टीशन वॉल का यूज क्या होता है, कितने तरह की ब्रिक पार्टीशन होती है, ब्रिक पार्टीशन में कितने टाइप्स की पार्टीशन होती है. ओके, प्लेन ब्रिक होता है, ब्लॉक पार्टीशन होता है, उसमें ब्रिक में ही एक हॉलो ब्रिक्स होती है वो पार्टीशन होता है. ओके, एंड इसमें जो है नॉगिंग पार्टीशन भी होता है, फ्रेमवर्क. मैं अभी आपको पिक अपनी स्लाइड शेयर करके आपको ये सारी चीजें बता दूंगी. क्ले ब्रिक पार्टीशन जो है वो भी मैंने जो बताया था, ये आउटर जो इसकी ऑब्जेक्ट की जो लेयर होती है जो भी वो एक हमारा जो होता है हॉलो होता है पीस. इंटरनल ये हॉलो होता है, आउटर इसकी लेयर जो होती है वो टेक्सचर में होती है. ओके, तो ये हॉलो क्ले ब्रिक्स होती है. जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर माई स्क्रीन विद यू. पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शो कर देती हूँ. मुझे लगता है कि अगर स्क्रीन शो करूंगी तो दैट्स वाई कि आप जो मैं आपको बता पा रही हूँ वो आप उसको इजिली देख सकेंगे. मैं भी बात कर रही थी कि आपको टाइप्स ऑफ जो पार्टीशन वॉल होते हैं जो हमने ऑलरेडी कल रिमाइंडर किया. आज पीपीटी नहीं है, देखिए आज मैं पीपीटी, क्योंकि पीपीटी में मैं सारी चीजें आपको एज इट इज नहीं दिखा सकती. तो मैंने, मेरा ये वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल में मैंने आपको मैं सारी चीजें आपको जो मैंने डिफरेंट टाइप्स कलेक्शन किया खुद का मेटीरियल जो इसमें अपनी थ्रू द जो मुझे लगता है कि सिलेबस में होना चाहिए वो मैंने इसमें सेव किया हुआ है. ओके, तो पार्टीशन वॉल जो है ये डिफरेंट टाइप्स की पार्टीशन वॉल है. ये देखिए जनरल पार्टीशन वॉल हम किस तरीके से यूज करते हैं, प्लीज सी एट हियर. आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो आपकी सीमेंट पार्टीशन वॉल है, ग्लास पार्टीशन वॉल है,
ये आपकी मैचर का है और ये आपकी जो क्ले ब्रिक जो पार्टीशन होते हैं वो हॉलो होते हैं। मैंने आपको बताया, कल भी बताया था और आज भी, कि आउटर का जो इसका सरफेस होता है ये जो होता है ये रफ होता है। ओके, ये हम इसका एक एडहेसिव भी आता है और इसको हम व्हाइट सीमेंट या जो सीमेंट का जो है उसके थ्रू भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये हॉलो होती है, देखिए इसमें जो दिखाई दे रहे हैं ब्रिक पार्टीशन ये हॉलो है। तो टाइप्स ऑफ पार्टीशन तो हमने देख ही लिया था कि ब्रिक पार्टीशन है, क्ले ग्लास एंड कॉन्क्रीट है। ब्रिक पार्टीशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पार्टीशन वर जो प्लेन ब्रिक पार्टीशन होते हैं, रेनफोर्स ब्रिक पार्टीशन होता है और ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन। ये 3 तरह के ब्रिक के है। ब्रिक पार्टीशन तो है बट ब्रिक पार्टीशन में भी 3 पार्टीशन होते हैं, मतलब 3 पार्टीशन का मतलब 3 टाइप्स का मटेरियल होता है। ओके, प्लेन ब्रिक होती है, रेनफोर्स ब्रिक होती है और ब्रिक नॉगिंग होती है। प्लेन ब्रिक कैसी होती है ये मैं आपको इसके थ्रू दिखा देती हूँ। प्लेन ब्रिक होती है ये बहुत कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्लेन ब्रिक्स एंड इट इज कॉमन एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये कॉस्ट को भी अफेक्टेड करती है और ये कॉमन यूज होती है। लाइक के साथ देख सकते हैं इसके प्लेन ब्रिक पार्टीशन वॉल। ये प्लेन पार्टीशन वॉल का व्यू भी दिखाया है एंड फ्रंट एलिवेशन भी दिखाया है कि सामने से दिखने से कैसी होती है और अगर इसका व्यू होगा तो ये कैसा होगा। ये पार्टीशन है प्लेन ब्रिक। याद रखिएगा मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ पार्टीशन वॉल तो मैंने आपको बताए ही बताए हैं बट जो ब्रिक पार्टीशन है उसमें उसके पार्टीशन में इस टाइम आपको बता रही हूँ। ओके, सेकेंड है ब्रिक पार्टीशन में रेनफोर्स ब्रिक पार्टीशन। ये सिमिलर होता है ब्रिक पार्टीशन, जो प्लेन ब्रिक पार्टीशन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है बट रेनफोर्स ब्रिक इज अ मच स्ट्रॉन्गर ड्यू टू द प्लेसमेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट। ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है क्योंकि इसको जो रेनफोर्स का जो मटेरियल होता है उसके साथ में इसको फिक्स किया जाता है। रेनफोर्स विच इज इन फॉर्म ऑफ वायर मैश स्ट्रिप और आयरन बार आर प्लेस्ड एट एवरी थर्ड और फोर्थ कोर्स। ये जो कोर्सेज होते हैं, कोर्स का मतलब जो ये लेयर होती है ना ब्रिक की, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, फिफ्थ लेयर, ये जो आपको दिखाई दे रही है 1 brick 2 bricks, इनको टेक्निकल वर्ड लैंग्वेज में जो हमारी कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज होती है इसमें इसको कोर्स बोलते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट कोर्स है, सेकेंड कोर्स है, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स। तो ये कह रहा है कि कोर्स रेनफोर्स वायर स्ट्रिप जो की विड्थ सॉरी रेनफोर्स जो विच इज फ्रॉम द वायर मैश स्ट्रिप और आयरन बार आर प्लेस एट एवरी थर्ड और फोर्थ कोर्स। यानी कि ये जो थर्ड और फोर्थ कोर्स है यहाँ पर जो वायर मैश स्ट्रिप्स होती हैं या आयरन बार्स होते हैं उनको प्लेस किया जाता है एवरी थर्ड और फोर्थ कोर्स में। ओके, और इनकी जो थिकनेस होती है, जो विड्थ की रेंज होती है वो 25 mm, 25 mm टू 28 mm एंड थिकनेस इज 1.6 mm होती है। स्टील बार डायमीटर इज 6 mm होता है। द थिकनेस ऑफ वॉल इक्वल टू द 10 cm और हाफ ब्रिक वॉल। जो इसकी जो वॉल की थिकनेस होती है जो वो इक्वल टू 10 cm और हाफ अ ब्रिक। जो ब्रिक का हाफ होता है या तो 10 cm होगी, ठीक है, 10 cm इट मींस कि अगर इंचेस पे बात करते हैं तो 4 inches। जो हमारी एक ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 9 inches उसकी लेंथ होती है, 4.5 inches उसकी विड्थ होती है और हाइट 3.5 inches उसकी विड्थ होती है। तो अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की, जो ये हमारी रेनफोर्स ब्रिक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रिक का जो आपकी आधी ब्रिक है यानी कि जो उसकी विड्थ है उसके बराबर इसकी जो थिकनेस होती है, वॉल की थिकनेस होती है। ओके, दिस टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल यूज्ड व्हेन द बेटर लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड इज नीड व्हेन द पार्टीशन वॉल हैज टू बी सपोर्ट अदर सुपीरियर इम्पोज्ड लोड। ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन वॉल, ब्रिक नॉगिंग ये भी ब्रिक पार्टीशन वॉल का ही थर्ड पार्ट है। ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन वॉल क्या होते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ ब्रिक वर्क बिल्ट, ये ब्रिक वर्क को बिल्ट करते हैं। ओके, विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ वुडन मेंबर्स, ये वुडन मेंबर्स के साथ में भी इसको यूज किया जाता है। द टिम्बर फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल पोस्ट जिनको स्टड्स कहा जाता है। मैंने कल आपको एक वुडन का जब मैं आपको एग्जांपल दिखा रही थी तो उसमें स्टड्स बताए थे। व्हाट इज स्टड, जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं उन चाहे वो मेटल में हो या वुडन में हो, दैट इज स्टड्स, उनको स्टड्स कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि व्हाट इज स्टड्स एंड आपको फिगर भी दिया जा सकता है या स्टड्स की डेफिनेशन की जा दी जा सकती है या पूछा जा सकता है कि जो फ्रेम्स में या आपके जो वर्टिकल पार्टिकल वुडन पार्टिकल्स होते हैं या वुडन पीसेस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ओके, तो स्टड्स दैट इज स्टड्स। हॉरिजॉन्टल को नॉगिंग कहते हैं।
still and head is explained in, or usme still bhi hota hai and head hota hai. Head is a common part of the that. Studs space 60 cm to 150 cm and held in a position by knocking pieces. जो स्टड्स के जो स्पेसेस होती है वो एच 60 सेंटीमीटर यानी कि 2 फीट हम रख सकते हैं टू 150 सेंटीमीटर और इनकी पोजिशन जो है वो नॉकिंग पीस के बीच में यानी अभी मैं आगे आपको फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी. द नॉकिंग पीसेज आर द हाउस इन टू द स्टड्स एंड 60 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर अपार्ट द वर्टिकली. The wooden framework provides the stability of the partition against the latest load and the vibration caused due to the opening and adjoining the doors and windows. इसमें जब हम partition wall में doors and windows भी जब install करते हैं तो we can easily install that with the help of noggings and right position of the nogging and studs etc. जो भी है इनका जो हमारा criteria है पार्टीशन वॉल्स बनाने का तो उसमें इजीली हम कर सकते हैं. किसमें जो हमारी ये ब्रिक नॉकिंग पार्टीशन वॉल जो है द ब्रिक इज प्लास्टर्ड फ्रॉम द बोथ साइड. जो ब्रिक पार्टीशन वॉल होती है ये दोनों तरफ से प्लास्टर्ड कर दी जाती है और जो सीमेंट का जो प्रपोर्शन होता है वो 1:3 को हम यूज करते हैं. द साइज 1:3 इन द सेंस की 1 portion इज द सीमेंट एंड 3 portion सैंड. ओके the size of the stud and nogging it depend upon the thickness of the partition wall. jo stud or nogging hum use karte hain for manufacturing of the partition wall wo depend karta hai ki partition wall ki thickness kya hai. okay pata chala ki partition wall ki thickness to aapki 9 inches ki aapne sorry 9 inches nahi aapne 4 inches ki rakh di hai aur jo aap nogging aur isme studs de rahe hain wo aap 1 inch ya 1.5 inch de rahe hain. that is not पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं है तो उसमें स्टड्स और क्योंकि फ्रेमिंग होती है इसकी तो आपको उस अकॉर्डिंग दैट उसको रखना पड़ेगा यानी कि प्रोपोर्शनेट आपको करके रखना होगा. द जो मैंने ऊपर साइजेस बताए हैं एज पर दैट साइजेस. ओके फॉर 10 सेंटीमीटर थिक पार्टीशन वॉल एटलीस्ट स्टड एंड नॉगिंग शुड बी 15 सेंटीमीटर वाइड सो दैट आफ्टर द ब्रिक वर्क इज प्लास्टर्ड फ्रॉम द बोथ वर्क प्लेसेस. देखिए द टिम्बर फ्रेमवर्क में फिनिश फ्लश विद द वॉल फेसेस. जो आपकी ये वाली जो नॉगिंग वॉल होती है ब्रिक नॉगिंग तो इसमें क्या होता है दोनों तरफ प्लास्टर होता है तो इसका अगर आपकी वॉल की जो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर है तो हम इसका नॉगिंग जो है वो 15 सेंटीमीटर और स्टड्स जो है वो रखेंगे. क्यों रखेंगे क्योंकि जब प्लास्टर होगा तो प्लास्टर इन स्टड्स और जो नॉगिंग जो हमारे ये हमारे स्टड्स हैं ये हमारी नॉगिंग्स हैं तो इनको कवर अप कर देगा तो बोथ साइड से ये पैरेलल कर देगा. आई होप आप अगर मेरे हैंड की सिचुएशन देखेंगे ये हमारे स्टड्स है और ये हमारे नॉगिंग्स है ये दो स्टड्स है स्टड्स के बीच में नॉगिंग जो लगता है अभी आपको आगे मैं फिगर के थ्रू दिखा देती हूँ. ओके द सर्फेस ऑफ द टिम्बर फ्रेमवर्क कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद ब्रिक वर्क आर कोटेड विद कोल टार. इसको कोल टार से भी कोटेड किया जाता है. दिस टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल सफर्स फ्रॉम द drawback of the timber getting delayed. The mortar used may not stick well to the timber members and thus the brickwork is likely to become loose after some time. अगर हम इसमें जो मोर्टर जो उसका बहुत अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो अच्छे से अगर पेस्टिंग उसमें नहीं स्टिकिंग नहीं होती है तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम प्लास्टर गिरने लगता है. ओके तो हमें जब इसका कंस्ट्रक्शन होता है तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है कि जो मिक्सिंग होती है जो रेशियो होता है 1:3 का वो जो मटेरियल यूज करते हैं सीमेंट सैंड का तो उसका मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए और उसकी स्टिकिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि वो पेस्ट अच्छे से उस पर रहे एडहेसिव मतलब चिपका रहे और गिरे नहीं वो. ओके तो नाउ मैं जो आपको वर्टिकल्स पार्ट में बता रही थी स्टड्स हैं और नॉगिंग है तो दीज आर द वर्टिकल्स ये आपके स्टड्स कहलाते हैं. ये हैं आपके स्टड्स और ये आपकी नॉगिंग है जो बीच में यूज की गई है. ऊपर टॉप का जो होता है इसको हम नॉगिंग नहीं करते इसको हेड कहते हैं क्योंकि ये सिंगल जॉइंट होता है इसमें. ओके नॉगिंग्स जो हमारी यूज होती है दो जो स्टड्स के बीच में जो हम पार्टिकल यूज करते हैं वुडन पार्टिकल उसको हम नॉगिंग कहते हैं. और ये हमारी जो इन जो हमारा ये जो वुडन के जो पीस है आप ये देख रहे हैं तो इसको ब्रिक का जो हमने नॉगिंग है ये ब्रिक नॉगिंग यूज की है इसके साथ में तो इसीलिए इसमें दोनों तरफ से प्लास्टर होता है. और ये डोर के पोस्ट है ये डोर के पोस्ट है जो फ्रेम होता है फ्रेम में जिसके पोस्ट होते हैं डोर के पोस्ट है और इसके ऊपर ये नॉगिंग ये स्टड्स मैंने आपको बताए हैं और ये नॉगिंग आपको बताइए और ये हमारा प्लास्टर ये आप देख रहे हैं यहाँ प्लास्टर लिखा हुआ है
तो ये जो टिम्बर फ्रेमवर्क इन ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन, ये जो वॉल है आप जब इसको देखेंगे तो आपको देखने से लगेगा ही नहीं कि ये पार्टीशन वॉल है, इज इट क्लियर? क्योंकि इस पे दोनों तरफ से प्लास्टर होता है, बट एक्चुअल में इस पे ब्रिक नॉगिंग वॉल यूज किया जाता है मटेरियल, तो दैट्स व्हाई ये पार्टीशन वॉल ही होती है जिसने कंस्ट्रक्शन करवाई होती है, जिसके यहाँ काम हुआ होता है। आप जज सिर्फ आप सामने से देख के आफ्टर कंप्लीटेड द वॉल, मतलब सारा काम कंस्ट्रक्शन होने के बाद आप गेस भी नहीं कर पाएंगे कि दिस इट इज अ ओरिजिनल और पार्टीशन वॉल। ओके, तो ये इसके पार्टीशन, इस वॉल की एक खूबी है। और ये आफ्टर कंप्लीशन, जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये इस टाइप से दिखते हैं। अभी इसमें प्लास्टर, ये विदाउट प्लास्टरिंग है। ओके, ये इसके ऊपर जो है इस तरह से इसको किया है, ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन वॉल, ब्रिक्स आर लेट फ्लैट। ये बिल्कुल फ्लैट पोजिशन में आपकी दिखाई देती है। ये भी एक किसका वो है एग्जाम्पल है, आपको आपने आउटर में जो है या इनर में आपने देखा होगा जो इस टाइप से करते हैं, तो उसके ब्रिक नॉगिंग पार्टीशन वॉल, ब्रिक्स आर लेड ऑन द एज, जो एजेस के थ्रू यानी कॉर्नर्स के थ्रू लगाई जाती है। नेक्स्ट है क्ले ब्रिक पार्टीशन। क्ले ब्रिक पार्टीशन वॉल क्या होते हैं, या द ब्लॉक्स विच आर यूज टू क्ले ब्रिक पार्टीशन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द क्ले और टेराकोटा। ये टेराकोटा और क्ले से बने होते हैं, ये हॉलो होते हैं, और इनकी जो ब्रिक्स होती है कॉमनली एम्प्लॉयड टू द लाइट पार्टीशन वॉल, ये हल्के पार्टीशन वॉल के, ये लाइट वेटेड होता है। और प्ले जो ब्लॉक्स होते हैं इनको मॉर्टर के थ्रू प्लेस्ड किया जाता है, जो मसाला होता है उससे इनको प्लेस्ड किया जाता है। हॉलो ब्रिक पार्टीशन वॉल आर रिजिड, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, फायर रेजिस्टेंट, ये गुड हीट साउंड इंसुलेटेड भी होती है। इनका जो थिकनेस होती है पार्टीशन वॉल की वो 6 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर होती है, और ये हॉलो ब्लॉक होते हैं, डिफर फ्रॉम द टेक्सचर ऑफ द मटेरियल। इनके जो आउटर जो होता है वो टेक्सचर, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि टेक्सचर्ड होता है ये, और अंदर से ये हॉलो होती है। हॉलो ब्रिक पार्टीशन वॉल आर कंस्ट्रक्टेड इन अ सिमिलर मैनर एज स्टड ब्रॉड बेयरिंग वॉल। ग्रूव्स आर प्रोवाइडेड ऑन टॉप बॉटम, जो इसके ग्रूव्स होते हैं वो टॉप एंड बॉटम में प्रोवाइड किए रहते हैं। एंड साइड्स ऑफ ब्लॉक इम्प्रूव द बॉन्ड बिटवीन द ब्लॉक्स एंड प्लास्टर्स। ये ग्रूव्स आप देख रहे हैं, ये ग्रूव प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये फिक्सिंग, ये आपका ग्रूव है और ये इसका इसमें जो है टंग दिया गया है, ये ब्रिक में ही दिया गया ताकि इनकी फिक्सिंग अच्छे से हो सके ब्रिक्स में, क्योंकि इनको हम ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, तो इन्हीं के थ्रू ये फिक्सिंग अच्छे से हो जाता है। ग्लास पर ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये इसके मैंने कल भी इनको आपको दिखाया था कि हॉलो क्ले ब्रिक के यूनिट्स हैं, यूनिट्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स हैं ये, इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी होता है, और ये कंस्ट्रक्शन इसका लाइक दिस होता है, और इसको हम कंस्ट्रक्शन, ये मोर्टर यानी कि जो मसाला होता है उससे हम इसको फिक्सिंग करते हैं। ग्लास पार्टीशन क्या है, दे आर द चीपी, थोड़ा सा चीप होता है, लाइट होता है, इजीली कंस्ट्रक्शन होता है, इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, एंड प्रोवाइड द रीजनेबल प्राइवेसी एंड द साउंड इंसुलेशन। सच वॉल आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्लास शीट एंड हॉलो ग्लास। ग्लास शीट पार्टीशन वॉल्स कैसे होते हैं, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय द फिक्सिंग शीट एंड द वुडन फ्रेमवर्क। ये वुडन फ्रेमवर्क के साथ यूज होते हैं, और इनमें टिम्बर की बीडिंग्स यूज की जाती है, इनको ग्लास को फिक्स करने के लिए इसमें पुट्टी यूज की जाती है। वुडन फ्रेमवर्क इसमें के साथ में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोस्ट इसमें यूज होते हैं, जैसा कि सुटेबल होता है एज पर द स्पेस, और डिवाइड किया जाता है एंटायर एरिया टू नंबर ऑफ पैनल्स। इसमें पैनल्स में डिवाइड किया जाता है कि एरिया बहुत बड़ा होता है, हम बहुत बड़ा ग्लास का पीस नहीं लगाते हैं, वो ब्रेक होने का डर रहता है, तो इसलिए हम पैनल्स बनाते हैं उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोस्ट के थ्रू, और उन पैनल्स में हम ग्लास के जो पीसेस होते हैं उनको फिक्स करते हैं। द पैनल्स माइट बी रेक्टेंगुलर, ज्यादातर जो पैनल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और उनके साइजेस की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। चॉइस आपकी इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा पैनल डिसाइड कर रहे हैं। ओके, ग्लास शीट्स भी यूज होती है पार्टीशन वॉल में, ये बहुत ही लाइट होती है, वर्मिन प्रूफ होती है, डैम्प प्रूफ भी होती है और साउंड प्रूफ भी होती है। वायर्ड ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास एंड 3-ply ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्लास शीट। जो स्ट्रॉन्ग ग्लास शीट होती है जो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, इस पे ये पूरा टॉप टू बॉटम है, तो ये वायर्ड ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास एंड 3-ply ग्लास होते हैं। इन ग्लास के एग्जाम्पल जो है स्ट्रॉन्ग ग्लास शीट का के एग्जाम्पल है, विच आर सुटेबल फॉर ग्लास शीट पार्टीशन वॉल कंस्ट्रक्शन। यही इतने बड़े ग्लास शीट्स जो हम जो ग्लास शीट्स होती है, हम सिर्फ ग्लास का के पीसेस जो पैनल्स में यूज करते हैं हम उनको यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे ग्लास शीट्स यूज करते हैं
जो इन तीनों में से किसी एक भी होते, या तो वायर्ड ग्लास होता है, या बुलेट प्रूफ ग्लास होता है, या थ्री प्लाई ग्लास होता है, जो स्ट्रॉन्ग शीट्स के एग्जाम्पल है. ओके नाउ तो हॉलो ग्लास ब्लॉक पार्टीशन क्या होता है? इट इज द कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द हॉलो ग्लास ब्लॉक्स. हॉलो ग्लास ब्लॉक्स ट्रांसलेटेड ग्लास यूनिट्स विच आर द लाइट मैन्युफैक्चर विद द वेरियस थिकनेस शेप्स एंड साइजेस. इनका जो साइज होता है वो 14 बाय 14 सेंटीमीटर और 19 बाय 19 सेंटीमीटर भी होता है. इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है. ये हॉलो ब्लॉक्स होते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है. और ये इनको हम जो है पेंटेड भी कर सकते हैं. ये जो एजेस होते हैं पेंटेड इंटरनली एंड सैंडेड एक्सटर्नली टू हैव द बॉन्ड ऑफ द बिटवीन मॉर्टर एंड ग्लास ब्लॉक. जो इनके मॉर्टर और ग्लास ब्लॉक्स होते हैं उनको इजी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. तो मैंने आपको बताया था कि ग्लास के ब्लॉक्स भी आते हैं. ओके आप मार्केट में जो है आप अगर इसका विजिट कर सर्वे करेंगे, नॉट विजिट ओनली सर्वे करेंगे, तो आपको ग्लास ब्लॉक्स भी एज पर द रिक्वायरमेंट उसकी थिकनेस. डांस फ्लोर भी आते हैं ग्लास और पार्टीशन वॉल्स भी आते हैं. बहुत खूबसूरत लगते हैं विद द लाइटिंग और डिफरेंट कलरिंग मटेरियल के साथ में. अगर उनको पार्टीशन वॉल को यूज किया जाता है तो वो देखने में बहुत खूबसूरत, उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है पर बहुत अच्छे होते हैं. ब्लॉक ग्लासेस लेड इन सीमेंट लाइम मॉर्टर फाइन 1:1:4 का रेशियो होता है इसमें. इसके ऑल जॉइंट शैल बी फिल्ड एडिक्वेटली. इनको फिल्ड कर एडिक्वेटली फिल्ड कर मेटल स्ट्रिप्स रिइंफोर्सेस द प्लेस एट एवरी थर्ड और फोर्थ. सेम थिंग की ब्लॉक जो हम यूज करते हैं तो उसको हाइट अप देने के लिए हम मेटल स्ट्रिप्स यूज करते हैं. रेनफोर्स जो हमें दिखाई नहीं देते थे कि ये मेटेरियल इस पे प्लेस्ड किया जाता है, बट अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये सब दिखाई नहीं देगा मटेरियल. ये मटेरियल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप अननोन ना रहे कि ग्लास पार्टीशन या ब्रिक पार्टीशन या एनीथिंग एल्स, ये इतनी जो लंबी 6 फीट की जो वॉल बन रही है, इवन 7 फीट की वॉल बन रही है, तो विदाउट हेल्प ये कैसे फिक्सिंग है. तो ये सब इसके क्राइटेरियाज है जो आपको दिखेंगे नहीं. आपको क्या करना है, आपको ये बताया जा रहा है कि ये मटेरियल इसका यूज होता है. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम द नेट. आप नेट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या ये ऐसा वाकई में सही है जो मैं बता रही हूँ या नहीं. ओके देयर इज अनदर टाइप ऑफ ग्लास ब्लॉक विद जॉगल एंड द ग्रूव्स एज वेल. इनमें ग्रूव्स बनाए जाते हैं जो मैंने आपको जॉइंट्स बताए थे. तो उन जॉइंट्स, ये जॉइंट्स ना कॉमन जॉइंट्स होते हैं, टंग एंड ग्रूव, टेन एंड मोटाइज. तो जो फर्नीचर जो इस तरह का मेटल वगैरह होता है उसमें मोस्टली टंग एंड ग्रूव यूज होता है जहां पर पैनलिंग होती है. और जहां फर्नीचर बनता है वो टेन एंड मोटाइज होता है फिक्सिंग करने के लिए. ग्रूव में इस ग्रूव एंड टंग के थ्रू इजिली हम किसी भी, चाहे वो मेटल का हो, वुड का हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी मेटेरियल हो, ग्लास पार्टीशन हो, एनीथिंग एल्स, वहां पर टंग एंड ग्रूव जो ज्वाइंट है ये बहुत ज्यादा यूज होता है. ओके क्योंकि टंग एंड ग्लास भी हम टेनन एंड मोटाइज यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ करना पड़ता है. टंग एंड ग्रूव बहुत इजी. ये ग्लास ब्लॉक्स का एक एग्जांपल है. देखिए ग्लास ब्लॉक्स जो हैं ये इस तरह के ग्लास ब्लॉक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, और इनको फिक्सिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इनका जो एडहेसिव मटेरियल होते हैं उनके अकॉर्डिंग. ओके कंक्रीट पार्टीशन वॉल, इट इज अ कंसिस्ट कंक्रीट स्लैब प्लेइंग द रेनफोर्स सपोर्ट लिटरली बाय वर्टिकली मेंबर्स. दिस स्लैब में भी आइदर प्रीकास्ट और कास्ट. ये जो हमारे कंक्रीट की जो वॉल्स पार्टीशन वॉल्स होती हैं इनकी जो थिकनेस होती है 80 mm टू 100 mm होती है. ये मोनोलिथिकली विद इंटरमीडिएट कॉलम्स के थ्रू बनते हैं. इट इज अ रिजिड, ये रिजिड होते हैं, स्टेबल बोथ इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली डायरेक्शंस भी होती हैं. इनकी फ्रेमवर्क इज कॉस्टली. इसका जो फ्रेमवर्क बनता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है. द रेनफोर कंसिस्टिंग द माइल्ड स्टील बार्स, इसमें माइल्ड स्टील बार्स यूज होते हैं. BRC फैब्रिक इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द वॉल थिकनेस. कॉन्क्रीट विच यूजली अडॉप्टेड इन द वर्क इज M15 1:2:4. इसका जो कॉन्क्रीट का जो मिक्सचर है वो यूजली हम इसमें यूज करते हैं. ये इसका एक फिगर दिया गया है कि ये कास्ट टू कॉन्क्रीट पार्टीशन वॉल जस्ट लाइक किस टाइप की होती है. ये हमारे हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल स्टंट्स है. पार्टीशन कॉन्क्रीट स्लैब पार्टीशन वॉल्स, द वॉल इज बिल्ट फ्रॉम द प्रीकास्ट कॉन्क्रीट स्लैब यूनिट. Precast unit thickness range 25 mm to 40 mm. Precast units are secured to precast post. Joint shall be filled with mortar. इसके जो joints होते हैं वो mortar से fill किए जाते हैं. और concrete का ratio मैंने already आपको बता दिया है 1:2:4. Like this, ये one more example है आपका जो precast concrete partition, वो मैंने आपको plan दिखाया था. Okay, this is a plan. ये आपका plan है. अब आप इसका view देख लीजिए. ये इसका view है.
ये प्रीकास्ट स्लैब्स हैं, ये प्रीकास्ट पोस्ट हैं, ओके, पोस्ट इन स्लैब्स के थ्रू ये इस तरीके से बनता है और ये हमारा पार्टीशन वॉल है। वॉल पार्टीशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्पेशल, आप इसको पूरा देख लीजिए लाइक दिस। अगर आपको इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट। ये इसका व्यू है। एस वासु, व्हाट इज द प्रॉब्लम एस वासु? प्लीज डोंट रेज योर हैंड। मैं आपको बिफोर आफ्टर बिफोर एंडिंग द क्लास, यानी कि आफ्टर 40-45 मिनट्स में आपको टाइम जरूर दूंगी। प्लीज आप दैट टाइम यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। वॉइस इज क्लियर? मेरी वॉइस, आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर होगी। वॉइस इज एनीबडी कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स माय वॉइस इज क्लियर और नॉट। प्लीज डू इट फास्ट। एनीबडी चैट? My voice is absolutely perfect. Okay, thank you so much. Please don't raise your hand after ending the lecture. I will give you every question answer. Okay. प्लास्टर स्लैब पार्टीशन वॉल्स क्या होते हैं? प्लास्टर स्लैब और प्लास्टर बूट्स आर मेड फ्रॉम द बर्नड जिप्सम। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो प्लास्टर सीमेंट के वॉल्स होती है वो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो बर्नड मटेरियल होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है, जो सॉडस्ट में कन्वर्ट हो जाता है के साथ में उसको यूज करते हैं। और इसको ये बहुत वेट को रिड्यूस करता है, मटेरियल जो बनता है हमारा वेट रिड्यूस करता है। तो ये बहुत इजीली बहुत अच्छे से हम यूज करते हैं जो प्लास्टर स्लैब पार्टीशन वॉल में हम यूज करते हैं। यूनिट्स ऑफ प्लास्टर स्लैब प्रिपेयर्ड इन द आयरन ऑफ द टिम्बर वुड। मैंने इसको बताया कि ये आपका आयरन में भी यूज होता है, टिम्बर में भी यूज होता है। विथ साइज 1 to 2 मीटर लॉन्ग और 30 सेंटीमीटर हाइट एंड 50 to 100 mm थिकनेस। ये इसकी थिकनेस हाइट एंड विड्थ है इसकी। दे आर द इक्विपाइड विद द सुटेबल ग्रूव्स टू क्रिएट द रिजिड जॉइंट। ग्रूव्स यानी मैंने आपको बताया है कि जो टंग एंड ग्रूव ये जो जॉइंट होता है ये किसी भी आपका जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, आपका पार्टीशन वॉल में हो, फर्नीचर में हो, डोर्स विंडोज में जो जॉइंट्स आते हैं, पैनल्स में मोस्टली आपका टंग एंड ग्रूव ही यूज होता है। फ्रेम बनाने के लिए आपका टेनन मोर्टाइज यूज होगा, बट कोई भी पैनल बनाना होगा तो वहां पे, या आपको फिक्सिंग करनी होगी फ्लोरिंग में भी आपका टंग एंड ग्रूव होते यूज होता है, जहां पे वुडन फ्लोरिंग यूज होती है। जब मैंने आपको फ्लोरिंग बताई थी वुडन फ्लोरिंग तब भी मैंने आपको इस चीज को बताया था। तो दो जॉइंट बहुत पॉपुलर जॉइंट्स है, टंग एंड ग्रूव यूज एंड एवरीवेयर सभी जगह यूज होता है। एंड टेनन मोर्टाइज इज यूज फॉर द स्पेशली जहां पे ड्यूरेबिलिटी देनी होती है, वेट हमें यूज करना होता है, तो वहां पर हम टेनन मोर्टाइज यानी कि फ्रेम्स को बनाने के लिए हम टेनन मोर्टाइज यूज करते हैं। मेरी लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे तो जो फर्नीचर को ड्यूरेबिलिटी देने के लिए टेनन मोर्टाइज यूज करेंगे, क्योंकि वो जॉइंट्स फिक्स हो जाते हैं एंड डॉवटेल जॉइंट भी है जो फिक्स कर देते हैं। मोस्ट पॉपुलर यूज ये तो होते हैं फर्नीचर में। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे जाते हैं। द इक्विपमेंट हैज सुटेबल ग्रूव्स एंड क्रिएट द रिजिड जॉइंट। ग्रूव्स बनाने से इनके जो जॉइंट्स होते हैं ना वो रिजिड हो जाते हैं, मींस फिक्स हो जाते हैं। प्लास्टर स्लैब सरफेस में भी स्मूथ और रफ, इसका जो प्लास्टर का जो सरफेस होता है वो हम स्मूथ भी रख सकते हैं और रफ भी रख सकते हैं। द फॉर्मर इज नॉट प्लास्टर बट रफ सर्फेस एक्ट एज लाइक फॉर द की ऑफ द प्लास्टर। ओके, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ये टिम्बर फ्रेम्स है, देखिए टिम्बर फ्रेम है, ये इसके कंड्यूट हैं जो इसमें बीच में कंड्यूट लगाया गया है, क्योंकि इतने बड़े उसमें प्लास्टर करने के लिए उसको सपोर्ट तो चाहिए। और ये प्लास्टर बोर्ड है, इसके बोर्ड्स होते हैं। ये प्लास्टर हम जैसे हम नॉर्मल प्लास्टर करते हैं वैसा प्लास्टर नहीं होता है, इसके बोर्ड्स आते हैं जो इस मटेरियल से बनाए जाते हैं। इनको फिक्सिंग किया जाता है नेल्स के थ्रू। ओके, ये रफ भी होते हैं और स्मूथ भी होते हैं लाइक दिस। इनको प्लास्टर का जो पैटर्न होता है ना, हम नॉर्मल प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर हमें नहीं, वो प्लास्टर नहीं है। ओके, मेटल लेथ पार्टीशन वॉल, मेटल लेथ जो पार्टीशन वॉल है ये थिन स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कंसिडरेबली फायर रेजिस्टेंट, ये फायर रेजिस्टेंट भी होता है। ये जो है कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर चैनल्स के थ्रू बनता है। ये चैनल आप देख रहे हैं, ये चैनल है तो इसमें बनता है ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर के वर्टिकल कॉर्ड, जिनको हम जितने भी वर्टिकल पोर्शन होते हैं, चाहे वो अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो आपका वुड हो, मेटल हो, एनी अदर मटेरियल, तो उनको वर्टिकल मेंबर्स स्टड ही कहलाते हैं। आप फिक्सिंग मेटल लेथ इनटू ऑन वन साइड, इसको फिक्स कर दिया जाता है। प्लास्टर इज अप्लाइड टू बोथ साइड ऑफ द मेटल, हम इसके दोनों साइड पे हम प्लास्टर अप्लाई करते हैं। आप देखिए
ये मेटल के लेथ हैं जो ये लगे हुए हैं, आपको प्लान के थ्रू बताया इस वाले पोर्शन में प्लीज, जहां मेरा माउस, मैं इसको कर्सर को मूव ऑन कर रही हूँ, आप सिर्फ इसको देखिए। तो ये देखिए मेटल लेथ है जो ये पोर्शन आपको यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये इसके वर्टिकल पोस्ट, ये आपके वर्टिकल पोस्ट है। ओके, तो ये वर्टिकल पोस्ट है आपके, सॉरी ये आपके ये वाले जो ब्लैक वाला है, ये आपके वर्टिकल पोस्ट लगे हुए हैं जो यहाँ पर, ये इनका डिस्टेंस है। और ये मेटल लेथ जो इसके लेथ लगाए जाते हैं बीच में, जिसको हम नॉगिंग भी कहते हैं उसमें, तो वो ये चीज है। तो ये जो है इसके ऊपर हमारा दोनों साइड पे हम प्लास्टर करते हैं, और ये सेंटर से हॉलो होता है। जिस तरीके से ये हॉलो है ना, क्योंकि हमारे जो स्टड्स हैं, ये हमारे स्टड्स हैं, बीच में तो हॉलो है, इसपे इसको इस तरह, और इसको प्लास्टर करके इसको फिलअप किया जाता है, केशमेंट स्टड्स इसमें लगा दिए जाते हैं। ये हमारा मेटल, ये इफ हॉलो पार्टीशन रिक्वायर्ड द मेटल लेथ इज फिक्स्ड फॉर चैनल बोथ साइड एंड देन प्लास्टर इज अप्लाई, उसके बाद ही हम इस पे प्लास्टर अप्लाई करते हैं। एसी शीट्स और जीआई शीट्स पार्टीशन वॉल्स कैसे होते हैं, एसी शीट्स कैसे होते हैं, पार्टीशन वॉल्स कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द एस्बेस्टस सीमेंट शीटिंग और गैल्वेनाइज्ड शीट फिक्स्ड टू द वुडन और स्टील फ्रेम, इनको वुडन और स्टील फ्रेम में फिक्स किया जाता है। इट इज मोस्टली अडॉप्टेड इन द वर्क ऑफ टेम्परेरी कैरेक्टर, सच वॉल्स आर इकोनॉमिकली लाइट एंड फेयरली रिजिड इन द कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सॉरी स्लैब्स कंसिस्ट ऑफ कोर एंड करस्ड एस्बेस्टस सीमेंट शीट विद अ प्लेन एस्बेस्टस सीमेंट शीट अटैच्ड टू इट आइदर साइड। The use of the such slabs renders the partition walls more fire resistant to make it have good heat and sound insulation properties. ये AC sheets और जो GI sheet के जो partition walls होती हैं, ये बहुत अच्छी sound insulated properties के साथ होती हैं, और इनकी जो good heat, इनकी जो heating properties होती है, वो good heating properties absorption की वो बहुत अच्छी होती है। ये plain sheet होती हैं, ये करक जो इसके बीच में जो मेटेरियल होता है, करक ग्रेट जो सैशेट यूज करते हैं, लाइक टू मेटेरियल बनता है, इसकी आपको डिटेल्स बताई गई हैं, और इसके अंदर में सीमेंट मॉर्टर का जो फिलअप होता है, यानी कि मसाला जो होता है उसको फिल कर दिया जाता है। ये दो शीट्स लगाई जाती है। ओके, ये एस्बेस्टस शीट और जीआई शीट पार्टीशन वॉल का पैटर्न है, ये जो दो शीट्स होती है इनके बीच में हम फिलिंग करते हैं मॉर्टर की, और इसमें ये हमारा करगेट जो शीट होती है वो हम लगा देते हैं। ये शीट मेटल की होती है। ओके, मेटल या एनी अदर मटेरियल जो भी शीट्स हैं, वो हमारी इसको जो इसको बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी देती है, फिक्सिंग, इसको फिक्सिंग में सपोर्ट करती है। अदरवाइज हम कैसे, हम इसमें जो सीमेंट जो मॉर्टर है उसके साथ में हम सिर्फ फिक्स करेंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि वो फिक्सिंग ओपन हो जाती है, तो हम उसकी जो है फिक्सिंग को ड्यूरेबिलिटी देने के लिए हम इस मटेरियल को यूज करते हैं बिटवीन टू शीट्स, दो शीट्स के बीच में। ओके, वुड वूल पार्टीशन वॉल, वुड वूल पार्टीशन वॉल्स जो है हमारी फाइबर, ये जो है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग टेंगल्ड वुड फाइबर्स अनकंपैक्टेड कोटेड एंड बाउंड टुगेदर विद सीमेंट और प्लास्टर विद एट द रफ ओपन सरफेस विच प्रोवाइड्स एन एग्जैक्टली की ऑफ द प्लास्टर। ये जो है हमारी, ये इस तरह का मटेरियल होता है वुड वूल पार्टीशन। ये हमारे फाइबर से, वुड का जो फाइबर्स होते हैं ना, उससे हमारा ये बनता है, और इनके बोर्ड्स अप्लाई होते हैं, तो ये जो बोर्ड्स हम इनको फिक्सिंग करते हैं इनको, तो ये फ्रेम के साथ में, तो मटेरियल हमारा ये होता है, और इस तरीके इट इज गुड हीट एंड साउंड इंसुलेशन, ये हमारा बहुत अच्छा साउंड इंसुलेशन और हीट प्रूफ। चिम्बर पार्टीशन वॉल के कुछ और एग्जांपल्स हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टीशन वॉल आर कंसिस्ट ऑफ ए वुडन फ्रेमवर्क इज आइदर द सपोर्टेड फ्लोर बिलो और बाय द साइड। ये फ्लोर बिलो फ्लोर और वॉल के साइड्स में सपोर्टेड रहते हैं, और ये द फ्रेमवर्क इज अ रिजिड अरेंजमेंट ऑफ टिम्बर मेंबर्स व्हिच मे बी प्लास्टर्ड और कवर्ड विद द बोर्डिंग एटसेट्रा फ्रॉम द बोर्ड साइड। इसको या तो हम प्लास्टर जो बोर्ड होते हैं उनसे कवर कर सकते हैं, या हमारे बोर्ड्स आते हैं, बोर्ड के डिफरेंट साइजेस ऑफ बोर्ड्स होते हैं, आप उन बोर्ड्स का सिलेक्शन करके आप उनको यूज कर सकते हैं। सच पार्टीशन आर नॉन फायर रेजिस्टेंट, कुछ पार्टीशन तो नॉन फायर रेजिस्टेंट होते हैं। द टिम्बर फॉर्मिंग पार्टीशन इज लाइकली टू डिके टू ईच एंड अवे द पाइच आंट, ये एंड यूज द टिम्बर पार्टीशन वॉल इज डिक्रीजिंग। प्रेजेंट में जो वुडन पार्टीशन वॉल है हम उसको थोड़ा सा डिनाई कर रहे हैं। रीजन मैंने आपको कल भी बताया था कि मॉइस्चर वाली प्लेस पे अगर हम इसको यूज करते हैं तो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ओके,
और इसमें जो टर्माइट है वो बहुत जल्दी लग जाता है, जस्ट लाइक ये वाइट आंट जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं वो भी है। तो इन सब चीजों से दूर करने के लिए हम इसका जो प्रेजेंट टाइम में पार्टीशन वॉल्स हम अदर मेटेरियल का बहुत पॉपुलर हो रहा है, मैं आपको वेबसाइट के थ्रू भी अभी दिखा दूंगी। तो ये पार्टीशन वॉल इस तरीके से, क्योंकि इसमें फ्रेमवर्क टोटल वुडन का ही होता है। ओके ओके पार्टीशन वॉल्स, ये डिफरेंट टाइप्स के पिक्स हैं, ये मैं आपको वही सेम चीज है, मैं आपको जो है अब न्यू स्लाइड्स बता देती हूँ कि व्हाट इज दैट, कि मैंने जो है आपको और क्या बताना चाहती हूँ। ओके नाउ नाउ गिव मी 5 मिनट, कैन यू रेज योर हैंड एंड आस्क मी एनी क्वेरी, क्योंकि मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड आपको बताने जा रही हूँ, वो शेयर करूंगी आपके साथ में, तो बिटवीन उसके आपकी क्वेरीज मिक्सअप हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको मैं डायरेक्ट नेट से क्लासेस बताऊंगी। ओके आपको वहां से मटेरियल फाइंड आउट करना है, और वहां से जब मटेरियल फाइंड आउट करेंगे तो आपके इजिली आप घर बैठ के, आपको मार्केट सर्वे भी नहीं करना पड़ेगा, और आप कैसे उसको कर सकते हैं ये। ओके नाउ वासु जी, यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आप जो है चैट में बता, चैट बॉक्स के थ्रू आप मुझसे क्वेरी कर लीजिए, बट प्लीज डू इट फास्ट। वासु जी, एनी अदर, ओके नो रीजन। नाउ अगेन आई एम स्टार्टिंग माय नेक्स्ट, क्योंकि टाइम हमारा कहां स्पेंड हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। मैं अब आपके साथ में अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आफ्टर शेयरिंग दिस स्क्रीन आप जो है आप लोग उसके बाद ही आप क्लास के बाद ही आप क्वेरी कीजिएगा। ओके नाउ कुछ आई होप कि आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, जस्ट अ वेट एक्चुअली। ओके नाउ देखिए, ये आपकी जो कुछ टाइप्स ऑफ, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपके पार्टीशन वॉल्स हैं। मैं अगर आपको इस पे दिखाऊं तो कुछ कंपनीज है इतने अच्छे जो है आपके पार्टीशन वॉल्स बना रहे हैं, आपको इसमें वीडियो सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रही हूँ, इसलिए आपको वो वीडियो, आप सिर्फ पिक्स देखेंगे। ये ग्लास पार्टीशन जो होते हैं वो मूवेबल वॉल्स जो हैं, ग्लास पार्टीशन डोर्स एंड एसेसरीज हैं। ये कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस तरीके से ये मूवेबल है आप प्लीज लुक एट दिस, आप इसको देखिए कि किस तरीके से ये इसका जो है बना रहे हैं, आप इजिली इसको सर्च कर सकते हैं। तो देखने में लुक आप देखिए, ये मूवेबल है, कितना सुंदर लग रहा है। तो नॉट ओनली जो मटेरियल मैंने आपको बताया है, ये जो वॉल पार्टीशन का जो मटेरियल है सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, बहुत आगे है। ओके नाउ ये अगेन रिपीट ही हो रहा है, तो इसका ये आप देखिए, ये एक लुको स्टाफ जोन एरिया है एज अ हेल्दी वर्क स्टेशन, मतलब जस्ट लाइक दिस। ओके ये वर्किंग स्पेस है, तो इस पे भी ग्लास पार्टीशन दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर आपको एक ऑफिस में एक सिंपल से रूम में बिठा दिया जाए जहां सिर्फ चार दीवारें सीमेंट की हो तो आप कैसा फील करेंगे, यू फील नॉट लुक गुड, आपको बहुत अच्छी लुकिंग नहीं आएगी, आपको फीलिंग अच्छी नहीं आएगी। दैट्स व्हाई वी यूज द ऑफिस कमर्शियल स्पेसेस पार्टीशन वॉल्स। ओके तो वहां पे हम पार्टीशंस का यूज करते हैं, यहाँ पे हम टेम्पर्ड विजिबल ग्लास, नॉन विजिबल ग्लास, वो जैसे भी हमारे रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम वैसा यूज करते हैं। लुक एट दिस पार्टीशन एंड पार्टीशन वॉल, ये पार्टीशंस भी किया हुआ है, पार्टीशंस वॉल एंड डोर्स भी, इसके डोर के थ्रू भी पार्टीशन किया हुआ है इनको। ये सब आप नेट पे देख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये इसलिए, क्योंकि मैं अगर इनकी पीपीटी बनाती तो बहुत टाइम लगता, आप इनको नहीं कर सकते, आपको जो भी चीज देखनी है आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ये पार्टीशन वॉल्स के नाम से आप जब करेंगे, डिजाइनेड इन यूरोप, ये यूरोप का एक डिजाइन है। अगर मैं इसका वीडियो क्लिक करती हूँ, आई थिंक अब मैं नहीं बोलूंगी, आप सिर्फ ये वीडियो देखेंगे। Thank you.
आपने देखा जो मैंने अभी आपको बताया डिजाइन के बारे में कि जो पार्टीशन वॉल्स हैं ये किस तरीके से आप इसको यूज कर रहे हैं, किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो जो मैं आपको मटेरियल मैंने आपको बताया कि ये मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो देख के आपको क्लियर हो गया जो मैं बता रही हूँ। इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल, मतलब मैं तो आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टीज बता रही हूँ कि ये मटेरियल ऐसा भी होता है और ये इस तरीके से भी मटेरियल होता है और आप इसको मार्केट में सर्च कर सकते हैं। तो यू कैन, आज का जो आपका असाइनमेंट है, यू कैन सर्च द पार्टीशन वॉल्स ऑन द गूगल साइट। ओके, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। वन मोर कंपनी, एक तो मैंने आपको कंपनी बताई थी, ये फुली ऑटोमेटिक पार्टीशन एंड ऑटोमेटिक डोर्स के रिगार्डिंग है, एक कंपनी है। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल लिफ्टिंग ऑपरेबल वॉल्स भी है, यानी कि आप ये पिक देख रहे ना, ये वर्टिकल लिफ्ट हो जाते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि फोल्ड हो जाते हैं। और ये हमारे इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पार्टीशन वॉल है, ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग पार्टीशन डोर्स है, ये फोल्ड हो जाते हैं। आप यहाँ पे जब ओके करेंगे, एक्चुअली टाइम नहीं है तो मैं आपको ये सारी चीजें ओपन करके नहीं दिखा सकती हूँ, सो दैट्स व्हाई प्लीज सर्च दिस साइट योरसेल्फ। आप अपने आप इसको साइट को सर्च कीजिएगा। नॉट ओनली डिपेंड ऑन गिविन नॉलेज बाय मी, सिर्फ आप जो मैंने आपको बताया है प्लीज उस पर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको लिमिटेड चीजें ही बता सकती हूँ, आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, बट बढ़ना आपको अपने आप ही है। मटेरियल का कलेक्शन आपको खुद ही करना है। एट दिस टाइम नॉट पॉसिबल ड्यू टू द COVID-19, यू डोंट गो आउटसाइड एंड मार्केट ऑल्सो, सो दैट्स वाई यूज ओनली द गूगल वेबसाइट। एंड आपका मैंने जो मार्केट सर्वे का जो आपकी प्रॉब्लम थी उसका मैंने एक सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया है विद दिस लेक्चर, कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है, केवल सिंपल से मटेरियल की आपने प्लास्टर बोर्ड यूज कर दिया या वुडन बोर्ड यूज कर दिया, आपका पार्टीशन हो गया। बहुत डिफरेंट मटेरियल है, फोल्डिंग मटेरियल, ऑटोमेटिकली फिक्सिंग, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, और वो मटेरियल आप जो ऑब्जेक्ट्स जो यानी कि पार्टीशन वॉल्स है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। फिक्स भी है, अनफिक्स भी है, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ जब आप इसको देखेंगे तो ये मैंने आपको बताया केस में किसी भी एक को आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, मैं वर्टिकल लिफ्टिंग ऑपरेटिंग ही दिखाऊंगी आपको। आप ये प्रोडक्ट देखिए, वर्टिकल लिफ्टिंग का प्रोडक्ट है, इसके बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है कि किस तरीके के ये इसमें जो पार्टीशन वॉल्स दिए हुए हैं, ये इसका डिटेल्स मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, प्लीज सो सॉरी एट दिस टाइम, नो टाइम ड्यू टू दैट। मैं सिर्फ आपको इसकी डिटेल्स बता रही हूँ कि ये एक प्रोडक्ट है, तो जो ऑटोमेटिक लिफ्टिंग पार्टीशन का एक पार्ट है और उसके अकॉर्डिंग इसकी जो क्या कहते हैं डिटेलिंग स्कैन, ऑटोमेटिक लिफ्टिंग पार्टीशन वॉल्स हैं क्या, इंटेलिजेंस कंट्रोल सिस्टम इसका क्या है, आप देखिए फोल्ड हो गया है। ओके, ये पार्टीशन किया हुआ है, इन दोनों पिक के थ्रू आप देखिए ये पार्टीशन वॉल है आपकी जो डाउन है, बट यू हैव नो रिक्वायर्ड द पार्टीशन वॉल। आपको जो आपका हॉल है उसको आपको एक बिग लार्ज एरिया में, यानी कि कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो आपका ऑफिशियल फंक्शन हो या आपका पर्सनल फैमिली फंक्शन हो, आपकी जो गैदरिंग है, गैदरिंग आपकी जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी गैदरिंग ज्यादा है, तो वहां पर ये पार्टीशन वॉल देखिए यूज किया, इसको फोल्ड कर दिया है। तो आपको अगर छोटी गैदरिंग के साथ भी करना है तो इसको पार्टीशन वॉल को यूज करके रूम को छोटा कर दिया है, अगर आपकी गैदरिंग ज्यादा है तो उसके साथ में इसको पार्टीशन वॉल को, और लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ, इसके बहुत सारे मटेरियल हैं, इसके एक्सीडेंटल प्रोडक्शन फंक्शंस भी दिए, इसमें कोई भी चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट जो प्रोटेक्शन फंक्शंस, यानी कि एक्सीडेंट केस में कोई चांसेस कि ये अपने आप नीचे गिर जाएगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये जो जितनी भी टेक्निक्स की गई हैं तो इनको सारी एक्सीडेंटल केस को आपकी सेफ्टी पर्पस को ध्यान में रख के इनको बनाया गया है, और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव कस्टम मेड सर्विस होती है। ये इसके जो पोर्शन है लाइक दिस, ये वर्टिकल जो इसका देखिए वर्टिकल फोल्डिंग वॉल रनिंग प्रिंसिपल, इसके यहाँ पे रनिंग प्रिंसिपल, इनके थ्रू ये फोल्ड होता है, ये इसका सेक्शन व्यू है। ओके, ये जो सेक्शनल एलिवेशन होता है वो आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि आपके इसमें ये टॉप में है और ये इस तरह से रनिंग करके ये आपका ऊपर फोल्ड हो जाता है। प्रॉपर फोल्ड तो नहीं होगा, बट ये एक डिजाइन कन्वर्टेड इनटू द डिजाइन, ये एक डिजाइन में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी जो 8 फीट की क्लियर, 8.5 फीट की जो क्लियर वॉल आपको चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है। इज इट क्लियर? नाउ
आई होप कि आप जब इसको सर्च करेंगे आप सारे में सारे आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती बन सके आई एम टेलिंग सॉरी ड्यू टू द टाइमिंग. आप देखिए इसको फ्रंट से ये इस तरीके से देखें, ये चैनल अब ये आपका फ्रंट एलिवेशन है, ये तो आपका सेक्शनल एलिवेशन है, ये आपका फ्रंट व्यू है. जो ये वॉल है इसमें आप जो भी मेटेरियल यूज करें तो ये इस तरह से रनर अप ऊपर फोल्ड होता है. ओके इसकी पावर सप्लाई जो है 3 फेज एंटरिंग द अर्जेंट 380 वोल्ट चाहिए होती है. 14 एम्पीयर प्रोवाइडिंग इनफ पावर ऑफ द ड्राइविंग मोटर. ये जो मोटर की जो पावर दी है ना ये भी यहाँ 380 वोल्ट एंड 14 एम्पीयर प्रोवाइडिंग द इनफ पावर, इतनी पावर है. टेक्निकल पैरामीटर्स इसके हैं, पावर सप्लाई 50 मेगाहर्ट्ज चाहिए होती है, 380 वोल्ट, मोटर पावर 4 kW, मतलब आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी. तो और ये कहाँ पर अवेलेबल है ये भी मिल जाएगा. तो नॉट ये सिर्फ अवेलेबिलिटी के लिए आपको नहीं बताया जा रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी आपका जो माइंड है, प्लीज ओपन योर माइंड, डिजाइन बहुत है, आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. ओके थैंक यू सो मच. मैं आपको यहाँ पर इतना ही बताऊंगी, बाकी आप खुद कर सकते हैं इसको. तो आपकी ये जो साइट रहेगी आप इसको देख लीजिए, आप शॉर्ट स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्लीज. ओके पार्टीशन वॉल के नाम से जब आप डालेंगे तो cn-partition.com के नाम से डालेंगे तो आपको ये खुल के आ जाएगा. नाउ टुडेज लेक्चर इज ओवर, आज का लेक्चर ओवर हो गया है. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क मी एनी क्वेरी. आपकी जो भी क्वेरी है, आपको लेक्चर कैसा लगा, मुझे कुछ और बताना चाहिए आपको, तो प्लीज टेल मी नाउ ताकि मैं आपको और भी कुछ जो मुझसे बेटर हो सकेगा मैं आपके अपने, अगर मुझे लेक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है प्लीज गिव मी अ फीडबैक ऑल्सो, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना. फीडबैक तो स्टूडेंट से ही मिलेगा. ओके नाउ आई थिंक यू हैव नो क्वेरी लेक्चर. जब कोई क्वेरी नहीं है तो लेक्चर तो अच्छा ही हुआ होगा. ओके मैं खुद ही खुश हो लेती हूँ. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. Ronak sir, today's lecture is over. Once again, all of you, thank you so much to join my lecture. Day after tomorrow, we will meet. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'm ending this. Just 1 minute, sir. Any query? Okay. No queries. Okay. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Sir, can I leave meeting?